एक समय की बात है, किसी नगरी में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा बहुत गरीब था। वह लकड़हारा रोज जंगल जाता, जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें ले जाकर बाजार में बेचता और उसी से उसका घर चलता था। उसके और उसके परिवार को दो वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। वह हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। लेकिन उस लकड़हारे ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह जंगल गया, लकड़ियां काटी और वापस बाजार चला गया। कुछ दिनों तक वह लकड़हारा रोज उन बौद्ध भिक्षु को वहीं पर देखा करता और उन्हें अनदेखा कर वह अपने कार्य में मगन हो जाया करता था। एक दिन उन बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और उस लकड़हारे से ये कहा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम रोज जहाँ जंगल में आते हो, लकड़ियाँ काटते हो और उन लकड़ियों को ले जाके बाजार में बेच दिया करते हो, लेकिन इन लकड़ियों का तुम्हें क्या मिलता होगा? क्या तुमने कभी उस जंगल में और आगे जाने की कोशिश नहीं की है? यदि तुम जंगल में थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें चंदन के वृक्ष मिलेंगे और वहाँ पर चंदन के पेड़ों का एक घना सा गुच्छा है, जहाँ से यदि तुम एक दिन लकड़ियाँ काट लोगे तो तुम्हारे हफ्ते भर के खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। उस लकड़हारे को उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विश्वास नहीं था। वह यह सोच रहा था कि मैं तो रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ और इस जंगल के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना इन्हें भला कैसे पता हो सकता है? ये तो बस एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते रहते हैं और मैं तो इस जंगल में घूमता रहता हूँ। उस लकड़हारे को उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि क्यों न एक बार इन बौद्ध भिक्षु की बात मान ही लूँ, आखिर इसमें नुकसान ही क्या है? कौन जाने यह बौद्ध भिक्षु ठीक ही कह रहे हों, फिर भला इन्हें झूठ बोलकर भी क्या मिलेगा? मैं तो इन्हें रोज देखता हूँ, यह वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते रहते हैं, यह साधु मालूम पड़ते हैं, तो यह मुझसे झूठ क्यों कहेंगे? और इससे पहले तो इन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा भी नहीं, तो एक बार जाकर देखने में हर्ज ही क्या है? उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में और अंदर की ओर चला गया और वहां पर उसे चंदन के वृक्ष ही वृक्ष नजर आ रहे थे। वहां से जब वह उन चंदन की लकड़ियों को काटकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न थे। वह उनके चरणों में आ गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो लगता था कि मैं ही इस जंगल के बारे में अत्यधिक जानता हूँ, क्योंकि मैं रोज यहाँ पर लकड़ियाँ काटने आता हूँ और मैंने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया है। मैं तो बस यही सोचता था कि मुझसे बेहतर इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जान सकता। मेरे पिताजी भी इसी जंगल में लकड़ियाँ काटा करते थे और लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन ना ही उन्होंने और ना ही मैंने कभी ये सोचा कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। मैं कैसा अभागा हूँ, काश मैंने पहले ही इसके बारे में पता किया होता, काश इसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया होता तो मेरी आधी जिंदगी इस तरह से गरीबी में ना गुजरती। उस लकड़हारे के मुख से ये सारी बातें सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे से कहा, कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें पता चल चुका है, तो अब से तुम उन चंदन की लकड़ियों को काट सकते हो और अपनी गरीबी को मिटा सकते हो, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हो। वह लकड़हारा उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है। वह एक दिन जाता, उन चंदन की लकड़ियों को काटता, उन्हें ले जाकर बाजार में बेचता, जिससे उसको अच्छी कीमत मिल जाती थी और उस लकड़हारे के पूरे परिवार के लिए एक हफ्ते तक का राशन का
बंदोबस्त हो जाया करता था। वह लकड़हारा अब केवल हफ्ते में एक ही दिन उन चंदन की लकड़ियों को काटता और उन्हें बाजार में बेचा करता था, जिससे एक हफ्ते का राशन उसे मिल जाता था और बाकी के 6 दिन वह घर पर ही आराम किया करता था। एक दिन वह लकड़हारा फिर से जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे फिर से वही बौद्ध भिक्षु मिले और उन्होंने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, क्या तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आता कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने बड़ी आश्चर्यता से पूछा, क्या चंदन के उन पेड़ों के आगे भी कुछ हो सकता है? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, तुम उसके और आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर चांदी की खदान मिलेगी। वहाँ से तुम जितना मन करे चांदी ले सकते हो और फिर उन्हें ले जा करके बाजार में बेच सकते हो और इससे तुम्हारे 4-5 महीनों के राशन का बंदोबस्त बड़ी ही सरलता से हो जाएगा। तुम अपने परिवार का पालन पोषण बड़े ही आसानी से कर सकोगे। इस बार लकड़हारे ने उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर बड़ी ही सहजता से विश्वास कर लिया और वह तुरंत भागा भागा उन चंदन की लकड़ियों के आगे गया और उसने देखा कि वहाँ पर जंगल में सचमुच एक चांदी की खदान थी। यह देख वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह लकड़हारा 4-5 महीनों में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीनों तक आराम से अपना दिन गुजारा करता था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और लकड़हारा एक बार फिर से चांदी लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। तभी उसे फिर से वही बौद्ध भिक्षु मिले। उन्होंने उस लकड़हारे से कहा, क्या तुमने उसके आगे जाने की कोशिश नहीं की? क्या तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा नहीं जगी कि यदि यहाँ पर चांदी है तो उसके आगे भी कुछ और हो सकता है? उस लकड़हारे ने कहा, नहीं गुरुवर, मेरे मन में ऐसी कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आगे जाओ, आगे तुम्हें सोने की खदान मिलेगी और वहाँ से तुम चाहे जितना मर्जी सोना उठा लेना और यह सोना बेचकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम अमीर बन सकते हो और फिर तुम्हें सालों तक यहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार फिर लकड़हारे ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वह चांदी की खदान के और आगे गया और वहाँ पर उसने सच में एक सोने की खदान पाई। उस खदान में इतना सोना था जिससे उसका पूरा जीवन बदल सकता था। उसमें से उस लकड़हारे ने कुछ सोना उठा लिया और उस सोने को लेकर वह वापस बाजार की ओर निकल पड़ा, जिसे बेचकर आराम से उसके 1 साल बीत गए। अगले साल जब वह वापस जंगल में आ रहा था, तभी उसे वह बौद्ध भिक्षु मिले और बौद्ध भिक्षु ने फिर से उस लकड़हारे से कहा, क्या हर बार मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा या तुम खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करोगे? क्या तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं उठता? क्या तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा नहीं उठती कि इसके आगे जाकर देखता हूँ, आगे और भी कुछ अवश्य जरूर मिलेगा? इस पर उस लकड़हारे ने कहा, हे गुरुवर, मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सोना बहुत कीमती चीज़ होती है और मुझे लगा कि इससे बड़ा और क्या होगा, इससे कीमती और क्या होगा? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे से कहा, अरे भोले इंसान, तुम उस खदान से और आगे जाओ, वहाँ पर तुम्हें सोने, हीरे, जवाहरात मिलेंगे जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन वह लकड़हारा तुरंत ही उस जंगल की ओर भागा जहाँ पर उसे सोने की खदान मिली थी। वह उस सोने की खदान के और आगे गया और वहाँ पर उसे सचमुच एक हीरे जवाहरात की खदान मिली, जहाँ से उसने कुछ हीरे उठा लिए और उन्हें बेचकर वह अत्यधिक अमीर हो चुका था और उसका पूरा जीवन बड़ी ही आसानी से कट रहा था। देखते देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह लकड़हारा भी अब बूढ़ा हो चुका था।
बूढ़ा होने के बाद वह लकड़हारा एक बार फिर उसी जंगल की ओर आया। उस जंगल में उसे वहां पर एक बार फिर से वही बौद्ध भिक्षु मिले। उन बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे से कहा, हे मंद बुद्धि, क्या तुम अभी भी केवल उन हीरो के खदान के पास ही हो? क्या उससे आगे तुमने जाने की कभी कोशिश नहीं की? लेकिन अब वह लकड़हारा बड़ा घमंडी हो चुका था, क्योंकि उसके पास अब वह धन दौलत, वो सारी सुख सुविधाएं थी। उस लकड़हारे ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि अब रहने भी दीजिए, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? अब मुझे परेशान करना छोड़ दो। अब मेरे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, राजमहल है, अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं तो बस यहां पर उन हीरो में से कुछ हीरे और लेने आया हूं। अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब उन हीरो की खदान के आगे कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। यह सारी बातें सुन वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, यदि तुमने उसके आगे जाने की कोशिश की होती तो तुम्हें मैं मिलता। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति को सोने, चांदी और हीरो की खदान के बारे में पता होते हुए भी वह इतनी निश्चिंतता से यहां क्यों बैठा है? अवश्य ही उससे कुछ बड़ा उसने प्राप्त किया होगा, अवश्य ही हीरो से कीमती उसे कुछ अवश्य मिला होगा, तभी तो वह इतनी निश्चिंतता से यहां पर बैठा हुआ है। क्या तुझे कभी यह विचार नहीं आया? उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुन वह लकड़हारा रोने लगा और उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो मंद बुद्धि हूं, मैंने कभी यह सोचा ही नहीं जिसे इन हीरे जवाहरात सोने चांदियों की खदानों के बारे में पता है, लेकिन उन्हें छोड़कर वह यहां पर शांत होकर बैठा हुआ है, तो उसके पास अवश्य ही इन सबसे बहुमूल्य, इन सबसे अत्यधिक कीमती धन होगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं, हाँ, मेरे पास एक ऐसा धन है जिसके सामने सारी दौलत छोटी पड़ जाती है, और वह है साधना, अर्थात ध्यान, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुम तो हमेशा केवल धन के पीछे ही लगे रहे। तुम्हें तो केवल धन ही चाहिए था, तुमने कभी भी इसके बारे में जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। यह एक ऐसा धन है जिसे पाने के बाद हमारे मन में किसी और धन को पाने की कभी कोई इच्छा ही नहीं होती, कभी कोई जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हो पाती। इसे पा लेने के बाद तुम्हें संसार की वह हर खुशियां प्राप्त हो जाती हैं, वह हर सुख प्राप्त हो जाता है, जिसे तुम धन से कभी भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। वह असीम शांति जो तुम्हें जीवन में चाहिए, वह तुम्हें ध्यान से ही प्राप्त होगी। जिस सुख की तलाश में तुम हो, वह सुख तुम्हें यह ध्यान ही देगा। ध्यान एक असीम सागर है जिसमें तुम चाहो तो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो, और यह एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तुम जितना इसमें गोते लगाते जाओगे, तुम इसमें उतना ही मगन होते जाओगे, डूबते जाओगे, और तुम्हारे मन को उतनी ही असीम शांति प्राप्त होगी। तुम उतना ही सुख और आनंद महसूस कर पाओगे। बाहर का धन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब अपने मन के भीतर झांको, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये तुम्हें अपने भीतर झांक कर ही पता चल पाएगा। और ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान करना बड़ा ही आसान है। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन के विचारों को देखते रहना है, एक चौकीदार की तरह। तुम्हारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं उसे देखते रहो, लेकिन उस पर काबू करने की कोशिश मत करो। एक के बाद एक विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे, और तुम्हें सिर्फ बैठकर देखते रहो, और यह तब तक तुम्हें करना है जब तक तुम्हारे मन के सारे विचार खत्म न हो जाए। लेकिन
एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जबरदस्ती किसी भी विचार को खत्म करने की कोशिश मत करना और ना ही किसी भी अनुभव को जबरदस्ती पाने की कोशिश करना। जब तुम्हारे मन में कोई विचार कोई भी अनुभव नहीं बचेंगे तब तुम ध्यान में लीन हो जाओगे और तुम तब उस असीम शांति उस असीम सुख को प्राप्त कर सकोगे जिसकी तलाश में तुमने अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया। लेकिन ध्यान करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है और वह है तुम्हारे अंदर धैर्य होना। यदि तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो तुम ध्यान कभी नहीं कर सकते, क्योंकि धैर्य ही वो रास्ता है जो तुम्हें ध्यान तक ले जाएगा। दोस्तों, हम में से हर किसी को ध्यान करने में शुरुआती तौर पर तकलीफें होती हैं, लेकिन आप इसे यदि निरंतर तौर पर करते हैं और शुरुआत में केवल 5 मिनट भी देते हैं तो भी आप आसानी से ध्यान की इस स्थिति को पा सकते हैं, अपने जीवन में वह सुख शांति पा सकते हैं। वैसे तो हम में से हर कोई अपने घर में सुख और शांति पाने के लिए कहीं न कहीं नौकरियों पर जाता है, पैसे कमाता है ताकि उसका घर परिवार सुख और शांति से चल सके। लेकिन यह सुख शांति आपको कहीं बाहर प्राप्त नहीं होगी, यह आपको आपके भीतर ही प्राप्त होगी और यहां तक पहुंचने का मार्ग केवल और केवल ध्यान है। इसलिए ध्यान करने की कोशिश अवश्य करें और इसकी शुरुआत आप दिन के 5 मिनट से कर सकते हैं। 5 मिनट आप पूरे ध्यान से अपने विचारों को देख सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कतें अवश्य आएंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप ध्यान करने में असमर्थ हैं। इसका अर्थ ये है कि आप ध्यान की मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं जिस वजह से आपके विचार आपका विरोध कर रहे हैं। तो इन विचारों के विरोध को टाल दीजिए, यानी कि इनका सामना कीजिए और निरंतर तौर पर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास ही आपको ध्यान की उस स्थिति में ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं और वहां पर आपको वह परम सुख और शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।